My friends, good morning. In this video, we will learn about root of river Ganga. River Ganga के root को हम लोग जानेंगे. आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूँ, root of any river depend on the slope of the land. जिसका भी किसी भी नदी का जो root होता है वो उसके ढाल पर, ज़मीन के ढाल पर depend करता है. तो river Ganga जिस ओर से बहती है, इसका ढाल जो है वो eastern side है इंडिया के. तो सबसे पहले ये जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से है, विच इज़ फाउंड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट. आप देख सकते हो फिगर में, मैप में, कि उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से ये गंगा नदी निकलती है, जहाँ पर यहाँ दो नदी, अलकनंदा और भागीरथी, ये देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है और वहाँ पर इसका नाम गंगा पड़ता है. इसके पहले ये दो नदी होती है, अलकनंदा और भागीरथी, और ये निकलती है अलकनंदा, ये भागीरथी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, और यहाँ पर आगे बढ़कर ये देवप्रयाग के पास जहाँ पर ये मिलती है वहाँ ये गंगा के नाम से जानी जाती है. इसके बाद ये नदी आगे जो है वो नेक्स्ट जो स्टेट है वो यूपी में इंटर करती है. यूपी में आप लोग सुन रहे होंगे कि गंगा आरती होता है, बनारस हो गया, कानपुर हो गया. बनारस में क्या है, आप लोग जान रहे हैं कि ये हमारे जो पीएम मोदी जी हैं उनका कंस्टिट्यूएंसी है, मतलब इलेक्शन वहीं से वो लड़ाई, ये कैंडिडेट बनकर लड़ते हैं. वहाँ पर गंगा आरती अक्सर होता है, तो गंगा रिवर वहाँ यूपी से होकर बहती है. यूपी से बहने के बाद ये बिहार चली जाती है. बिहार में आप सुने होंगे पटना में बहती है. बिहार के पटना में होते हुए ये आगे बढ़ती है और ये झारखंड के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट से टच करती है, और वो है साहिबगंज. यदि ये डिस्ट्रिक्ट से टच होकर नहीं बहती, ये आप देख सकते हो एकदम कॉर्नर में हल्का सा बह रही है, यदि ये टच नहीं, यहाँ नहीं हो सकती, तो शायद हम लोग ये बोलते हैं कि रिवर गंगा झारखंड में नहीं फ्लो होती है. लेकिन आप देख सकते हो कि हल्का सा टच करती है और कॉर्नर में साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है, बस एकमात्र उसी डिस्ट्रिक्ट को ये टच करती है झारखंड का. और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल चली जाती है. वेस्ट बंगाल में आप जानते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर आकर इसमें मिलती है, और अंत में लास्टली ये रिवर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. इस तरह से आप इसके रूट को देख सकते हैं. इसका जो ढाल है यहाँ पर लैंड का वो है ईस्टर्न साइड में, जिसके कारण उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग में गंगा के नाम से जानी जाती है. देवप्रयाग में बहने के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आ जाती है. उत्तर प्रदेश में से उसके बाद बिहार राज्य में आती है. बिहार के बाद झारखंड में कुछ भागों में बहती है, और लास्टली वो वेस्ट बंगाल है, वहाँ बहने के बाद बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. आई थिंक यू विल लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.